सुनना, अभी हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने की प्रिपरेशन से पढ़ रहे थे, तो उसके अगले पॉइंट्स में आएंगे रोजेनमुंड रिएक्शन एंड वैकर प्रोसेस, दोनों को एक वीडियो में कर देता हूँ ताकि तुम लोग का नेम रिएक्शन भी अलग हो जाएगा। नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट में तुम लोग ढूंढोगे नेम रिएक्शन, तुम लोग को साफ साफ मिल जाएगा एक जगह पे, ठीक है। तो नेम रिएक्शन अलग होने के लिए रोजेनमुंड रिएक्शन सबसे पहले देखते हैं। रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन किसको बोलते हैं सुनना, ऐसे रिएक्शन जिसमें एसाइल क्लोराइड को बदलते हैं, एसाइल क्लोराइड को बदलते हैं एल्डिहाइड कीटोन में, कीटोन नहीं एल्डिहाइड में। इसमें देखना एसाइल क्लोराइड, इसको इंग्लिश में लिख लेना डेफिनेशन, एसाइल क्लोराइड कुछ इसको बोलेंगे, इसको हम लोग को एल्डिहाइड में बदलना है, मतलब क्लोरीन हटा के अगर हाइड्रोजन जोड़ दें, सुनना क्लोरीन हटा के हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये हमारा चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो क्लोरीन हटा के हाइड्रोजन जोड़ने के प्रोसेस H2 है, हाइड्रोजन ही कर लेते, तो HCl निकल जाएगा माइनस HCl, सुनना यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O H आ जाएगा, ये एल्डिहाइड बनाने के प्रोसेस को रोजेनमुंड रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंट नोट करने वाली ये है, इंग्लिश वाला लाइन लिख लेना जो मैंने बोला कि द प्रोसेस इन विच एसाइल क्लोराइड कन्वर्टेड इन टू एल्डिहाइड बाई इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDBPD एंड BaSO4। सुनना यहाँ पे रिएजेंट जो लेते हैं, रिएजेंट वो होंगे H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD एंड BaSO4 जरूर लेंगे। BaSO4 क्यों लेते हैं सुनना, BaSO4 एक पोरस कैटलिस्ट के रूप में ऐसे चद्दर होता है, वो क्या करता है एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है ताकि हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अटैक ना करे, क्योंकि अगर ये एल्डिहाइड बन चुका है और हाइड्रोजन अभी भी अटैक कर रहा है इस पे, तो एल्डिहाइड रिड्यूस टू गिव अल्कोहल, हमारा एल्डिहाइड तो खत्म हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे BaSO4 को यूज करते हैं। बोर्ड्स में ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रोजेनमुंड रिएक्शन में BaSO4 को यूज क्यों करते हैं, टू एब्जॉर्ब, सुनना BaSO4 इज पोरस इन नेचर, द सर्फेस ऑफ BaSO4 इज पोरस इन नेचर, इट एब्जॉर्ब द एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन That do not give further reduction of aldehyde to give alcohol. ठीक है, if BaSO4 is not used in this process, then the aldehyde formed from the acyl chloride is further reduced to give alcohol. इतना लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद से रोजेनमुंड रिएक्शन, ये छोटा सा चीज था, इसके बाद से वेकर प्रोसेस आता है। वेकर प्रोसेस को थोड़ा सा RL पॉइंट में लिखेंगे, लिखेंगे इन दिस प्रोसेस एल्कीन इज ट्रीटेड विथ PDCl2 लेड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन इट फॉर्म एल्डिहाइड। ये RL पॉइंट है, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन है, ये एल्कीन है, एल्कीन को PDCl2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर से रिएक्शन कराने पे PDCl2 ये चेंज होता है एल्डिहाइड में CH3CHO, ठीक है। तो ये वेकर प्रोसेस था, वेकर प्रोसेस का कोई मैकेनिज्म नहीं है, अभी तुम लोग के NCERTs में भी नहीं है तो, लेकिन सिलेबस के आउटर में है, जैसे कि तुम लोग का ITJEE में है, ठीक है, ये सब पोर्शंस में है, उसको ध्यान रखना।